शिवांगी जोशी और मोहसिन खान टीवी इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े नाम बन चुके हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी आज इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इन्हें बॉलीवुड के कई ऑफर्स मिल चुके हैं, मगर इन्होंने किसी न किसी वजह से उन ऑफर्स को ठुकरा दिया है और आज भी टीवी इंडस्ट्री में या फिर छोटे मोटे म्यूजिक वीडियोज में ही काम करना सही समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिवांगी जोशी से लेकर मोहसिन खान तक और भी कई स्टार्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड के ऑफर्स को ठुकराया है, जिनके इन ऑफर्स को ठुकराने के पीछे की वजह अलग अलग है, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। तो चलिए जानते हैं टीवी स्टार्स के बारे में और उनके बॉलीवुड ऑफर ठुकराने की वजह के बारे में। नंबर एक पर है अदा खान। टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री अदा खान टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट सक्सेसफुल अभिनेत्री हैं, जिन्हें हर कोई पसंद करता है और जो इतनी ज्यादा कामयाब हैं कि इन्हें कई बार बॉलीवुड फिल्म्स के ऑफर आ चुके हैं, मगर इन्होंने हर बार फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए हैं क्योंकि ये अभी अपने आप को फिल्मों के लिए तैयार नहीं मानती हैं। नंबर दो पर है दृष्टि धामी। मधुबाला और सिलसिला बदलते रिश्तों का जैसे सीरियस में काम करके बेशुमार पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली अभिनेत्री दृष्टि धामी को सिंघम रिटर्न्स फिल्म ऑफर किया गया था, मगर इन्होंने फिल्म को ठुकरा दिया क्योंकि ये उस समय काफी ज्यादा बिजी थी, जिसके चलते इनके पास टाइम नहीं था कोई फिल्म करने का। नंबर तीन पर है शहीर शेख। महाभारत सीरियल में अर्जुन का किरदार निभाकर घर घर नाम कमाने वाले अभिनेता शहीर शेख की बात की जाए तो आपको बता दें कि इसी सीरियल की शूटिंग के दौरान इन्हें एक बड़ी फिल्म ऑफर हुई थी, मगर इन्होंने उस फिल्म को ठुकरा दिया क्योंकि ये अपने कैरेक्टर की वजह से अपने सीरियल को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए इन्हें ना चाहते हुए भी उस फिल्म का ऑफर ठुकराना पड़ा। नंबर चार पर है दीपिका कक्कर। टीवी इंडस्ट्री की फेमस बहू दीपिका कक्कर की बात की जाए तो आपको बता दें कि इन्हें भी कई बार फिल्मों के ऑफर आ चुके हैं, मगर इन्होंने उन बॉलीवुड फिल्मों में ऑफर सिर्फ इसलिए ठुकरा दिए क्योंकि ये किसी भी फिल्म में इंटीमेट सीन नहीं करना चाहती हैं। नंबर पाँच पर है मोहित रैना। देवों के देव महादेव सीरियल में काम करके मशहूर हुए अभिनेता मोहित रैना वैसे तो अब हमें कई वेब सीरीज और फिल्मों में नजर आ चुके हैं, मगर जब इन्हें पहली बार बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिला था वो बिपाशा बसु की फिल्म क्रिएचर 3D थी, जिसे इन्होंने ठुकरा दिया था क्योंकि उस समय ये अपनी टीवी इंडस्ट्री से काफी खुश थे और एक टीवी अभिनेता बनकर ही रहना चाहते थे। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, इन टीवी स्टार्स ने फिल्मों को ठुकरा कर सही फैसला लिया या नहीं? आप हमें अपना जवाब कमेंट करके बताएं और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।